फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 एंड ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इतना लेट क्योंकि मैं अभी 5 बजे नहा के आई हूँ बिकॉज शौर्य अभी सोया है एंड शौर्य की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। मैं बैठ के आपको बताती हूँ। यस, शौर्य की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। उसे हो गया है लूज़ मोशन, तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। अभी मैंने उसे बहुत मुश्किल से दवाई दी है। कल मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली थी, कल हम उसे डॉक्टर पे दिखा के आए। तो दो जने होते हैं तो एक पकड़ता है, एक दवाई पिला देता है, बट मैं अकेली में मुझे दवाई पिलाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो बस मैं एकदम से उस पर अटैक करती हूँ, उसे मौका नहीं देती हूँ कि वो मुझे रोक पाए एंड मैं उसे इमीडिएटली दवाई पिला देती हूँ। एंड कल दिखा के आई थी, कल की डोज़ हो गई, आज की हाफ डोज़ हो गई। टिल नाउ अभी भी उसे 12-1 बजे उसने पॉटी की थी। पॉटी, माई गॉड, लूज़ मोशन में क्या पॉटी होती है एंड क्या उसकी क्लीनिंग होती है, मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। 2-3 दिन से मैं बाथरूम धो धो के थक गई हूँ। इतना बच्चे का इतना लूज़ मोशन हो गया है। वैसे ही वो इतना वीक हो रखा था क्योंकि अभी उसका ऑपरेशन हो के चुका था एंड वो खाता पीता कुछ है नहीं। एंड उसके बाद अब ये नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई ये लूज़ मोशन की। उसे एक आध बार थोड़ी सी लूज़ पॉटी आई थी तो मुझे लगा मैंने एक नई सीरप शुरू की है उसकी वजह से है। डॉक्टर ने अभी जब हम फिर से दिखा के आए थे तो उन्होंने एक नई सीरप दी थी यूरिन इन्फेक्शन की एंड एक दे रखी है हीमोग्लोबिन बढ़ाने की। तो मुझे लगा शायद उसकी वजह से हो सकता है या दूध चेंज हो गया उसकी वजह से, बट उसने एक ही दिन किया था तो मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। बट पास 2 दिन उसने नाइट में परेशान किया, कैन यू बिलीव इट, पूरे दिन वो सही रहा। रात को 11-12 बजे पॉटी पॉटी करके उसने रात को पॉटी करी, ठीक है, रात को जैसे तैसे करी, घर मैंने साफ़ करी, सब कुछ हो गया। उसके बाद आधी रात को 4-5 बजे रोता रोता नींद में बच्चे ने बोला मुझे पॉटी आई, पॉटी आई, फिर उसे आधी रात को पॉटी कराई। तो उसकी वजह से उसमें बहुत वीकनेस आ गई है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है एंड हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से वो ऑलरेडी वीक हो चुका है एंड लूज़ मोशन हो गए हैं। तो इसलिए पता नहीं शौर्य का क्या टाइम चल रहा है, मेरा बच्चा बार बार बीमार हो जाता है एंड मैं इमोशनली भी काफ़ी परेशान हूँ एंड फिज़िकली भी, क्योंकि उसके साथ मुझे बहुत लगना पड़ता है। मुझे ना रात को आराम मिलता है ना दिन को। उसे तो थोड़ी दवाई दे देती हूँ तो थोड़ी नींद आ गई एंड वो सो गया है, काफ़ी लेट सोया है। एक तो बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनमें ज़रा सी एनर्जी आ जाए फिर वो खेलना शुरू कर देते हैं एंड जैसी वो एनर्जी चली जाए बिस्तर पे आ जाएंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं पिछले 1 महीने से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि शौर्य फिज़िकली कम एक्टिव रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहती हूँ वो हाँ फ़ोन में लगना इट्स नॉट अ गुड हैबिट, बट उसे बिस्तर पर बिठाना एक फ़ोन या टीवी ही तरीका है। थोड़ी बहुत देर ब्लॉक से खेल लेता है बट लौट के वो फ़ोन पे आ जाता है। मैं सोचती हूँ अभी 1-2 महीने बाद मैं स्कूल डालूंगी तो फ़ोन की आदत छूट जाएगी, बट एट प्रेजेंट मैं चाहती हूँ कि वो बिस्तर पे ही रहे। थोड़ा बहुत वो मेरी मेट के साथ खेलता है, उसके अलावा कोई खेलने वो कहीं जाता नहीं। कॉलोनी में भी ऐसे कोई बच्चे नहीं है कि वो कहीं नीचे जा रहा हो। तो अभी वो सो गया है तो मैंने कहा चलो मैं नहा धो लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी ये व्लॉग स्टार्ट किया है। आज मेरा मन नहीं था बनाने का बट मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ एंड आप लोगों से कुछ सजेशंस मांगूँ। फ्रेंड्स, शौर्य का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, मुझे डॉक्टर ने कुछ चीज़ें रिकमेंड की है कि ये फ्रूट्स एंड ये खिलाना चाहिए, बट आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों भी मुझे सजेस्ट कीजिए क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिसके छोटे बेबी हैं, तो आई थिंक उन लोगों को भी काफ़ी नॉलेज होगी। एंड ये तरीका ज़रूर बताइएगा कि इन बच्चों को कैसे खिलाया जा सकता है। मीन्स डॉक्टर ने बोला एप्पल, बनाना, अनार, पालक, 3-4 चीज़ें और बोली, मेरे पास लिस्ट है। तो अनार ये बिल्कुल नहीं खाता है। पालक कैसे खिलाऊं, एक दिन पालक का पराठा बनाया तो उन्हें वाइट की जगह ग्रीन पराठा दिख रहा है तो उन्होंने वो नहीं खाया। शौर्य खाने में बहुत बड़ा मक्कार है, बहुत ही बड़ा। वो खाने बिल्कुल वो नॉर्मल में कुछ नहीं खाता था एंड अब बीमारी में मुझे परहेज का भी खिलाना है, हेल्दी भी खिलाना है, हीमोग्लोबिन बढ़ाना है उसके लिए अलग खिलाना है एंड ये लूज़ मोशन हो गए हैं तो उसके लिए मुझे अलग खिलाना है। कल मैंने इसके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई, इसने वो भी नहीं खाई। अभी मुझे उसकी रोने की आवाज़ आ गई है, मैं जल्दी से उसे देख के आती हूँ। शौर्य सो के उठ गया था, वो दूध मांग रहा था तो मैंने उसे दूध दे दिया है एंड अब वो फिर से सो गया है। सो फ्रेंड्स, शौर्य सो चुका है तो मैं बाहर चलती हूँ एंड फिर आपसे बात करती हूँ। एक्चुअली मैंने शौर्य का दूध बना के नहीं रखा था एंड मैंने जस्ट अभी उसके लिए दूध बना के उसे नींद में पिलाया है। डॉक्टर ने दूध कम से कम बोला है तो मैं भी अवॉइड कर रही थी दूध पिलाना क्योंकि ये जो पेट का इन्फेक्शन होता है इसका दूध ही मेन रीज़न होता है, तो इस वजह से। बट शौर्य मेनली दूध ही पीता है बट अभी कुछ टाइम से उसने दूध कम कर दिया एंड वो फ्रूट्स वगैरह पे आ गया है।
तो मैंने अभी ही उसका ताज़ा दूध बनाया था, मैंने बाहर निकाल के रख दिया था फ्रिज में से सो दैट वो जल्दी से गर्म हो जाए, एंड मैंने इमीडिएटली बना के फिर उससे सर्व कर दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो फ्रूट्स ही खाए, एंड बच्चे अपने मन के होते हैं उन्हें जो खाना है वो वही खाएंगे, बट नींद में तो वो फ्रूट्स नहीं खा सकता, उस समय तो उसे दूध ही चाहिए, तो मैंने दूध तभी के लिए बनाया। प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर करके रखने से भी रिस्की रहता है, ट्रैवल करती हूँ तब मेरी मजबूरी होती है, बट घर में तो मैं इमीडिएटली ही बना के उसे सर्व करती हूँ। तो आज का व्लॉग में मैं आपसे शायद बातें ज़्यादा करूँ, वीडियो कम शेयर कर पाऊँ, क्योंकि शौर्य के साथ मेरा कैसे मैनेज होगा। आज जो है बहुत ही सिंपल डिनर बनेगा, आज बनेंगे दाल चावल। हम लोग ने सोचा है कि हम बहुत सिंपल खाना खाएंगे कुछ दिन, क्योंकि जैसा हम खाएंगे वैसे ही शौर्य हमारे साथ खाएगा। तो दाल चावल डॉक्टर ने उसे बोला भी है, खिचड़ी भी बोली, खिचड़ी कल बनाई, इस लड़के ने नॉट इवन अ सिंगल स्पून अपने मुँह में डाली। इसकी नानी और इसके पापा को लगता है मैं इसे नहीं खिलाती, तो मैंने उन्हीं को दे दिया, लाओ खिला के दिखाओ, एंड शौर्य ने इवन देन नहीं खाई, उसे नहीं खानी तो वो नहीं खाएगा। बट मैंने फ्रेश दही जमाई हुई है, मैंने सोचा था कि ये दोपहर में सो जाएगा, 4-5 बजे उठेगा तो मैं इसको दही खिला दूँगी, अब देखती हूँ अगर उठेगा तो। मैंने बिल्कुल फ्रेश दही जमाई है इसके लिए अभी दिन में, मैंने भी फ्रिज में भी रख दी है, तो मैं भी आपको वो भी दिखा दूँगी, ठीक है ना। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर से मिलती हूँ डिनर के टाइम पर। शौर्य सो रहा है तो मैंने सोचा ना डिनर की तैयारी कर लूँ, तो आज मैं डिनर में बनाऊँगी ये काली वाली दाल मलका मसूर, इसे शायद मलका मसूर ही बोलते हैं, एंड चावल, चावल मैं सोख कर देती हूँ क्योंकि मैं उबाल के बनाऊँगी, एंड दाल मैं सीटी नहीं लगाऊँगी, बट तड़के की पूरी तैयारी भी कर लूँगी, जब ये उठेगा उसके बाद ही सीटी लगाऊँगी। सो मेरे जो है बासमती राइस ख़त्म हो गए थे, तो ये नॉर्मल वाले राइस है, पौना वाले, जो मैं अभी नीचे की शॉप से ख़रीद के लाई हूँ, एंड मुझे इंडिया गेट की चावल पसंद है, बट अभी टेम्परेरी काम चलाना पड़ेगा। सो अब मैं इस राइस को काफ़ी अच्छे से वॉश कर लूँगी, 2 से 3 बार पानी निकालूँगी, एंड उसके बाद इन्हें पानी में सोक करके रख दूँगी। इसके लिए जो सोक करने के लिए मैं पानी यूज़ करूँगी वो है आरओ वाटर ही यूज़ करूँगी, क्योंकि जो ये सोक की हुई राइस होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड मैं इसे खुले बर्तन में उबाल के ही पकाऊँगी। अब राइस को सोक करने के बाद मैं दाल भी चढ़ा दूँगी, ये मैंने दाल ले ली है, इतनी सी ही ली है क्योंकि चावलों के साथ मैं थोड़ी पतली दाल बनाती हूँ, एंड मुझे बहुत ज़्यादा दाल नहीं बनानी थी, तो मैंने इतनी ही ली है कि आज का काम चल जाए। तो अब मैं इसे एक बार वॉश करूँगी, इस वाली दाल में ज़्यादा गंदगी नहीं निकलती है, ये बहुत जल्दी वॉश हो जाती है, एंड मैं जो दालें यूज़ करती हूँ उनमें कंकड़ भी नहीं होते हैं, तो मुझे क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इनमें थोड़ा पानी ज़्यादा रखूँगी क्योंकि मुझे ये थोड़ी पतली दाल बनानी है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, शौर्य को तो मैं राइस ही सर्व करूँगी, तो मैं इसमें थोड़ा मिर्च डाल लूँगी, बाकी मैं चौक में डालूँगी, सिंपल दाल है, प्याज टमाटर से तड़का लगाऊँगी, नमक, लाल मिर्च एंड हल्दी, एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कच्चा तेल, बहुत थोड़ा सा कच्चा तेल डालूँगी, इसे मैं अभी बेसन नहीं लगाऊंगी, इसे मैं तैयार करके गैस पे रख दूंगी, जब शौर्य उठ जाएगा तब मैं इसमें सीटी लगाऊंगी, तो मैं जल्दी से छौंक की तैयारी कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने गार्लिक एंड प्याज को सोक कर लिया था सो दैट ये अच्छे से पील हो जाए, एंड टाइम फॉर दी चॉपिंग, एक लेयर ही हटानी पड़ी मुझे। पानी में सोक करने से गार्लिक अच्छे से पील हो जाता है, और दूसरा प्याज में से आंसू नहीं आते, इस तरह से आप सोक कर देते। सो मैं चॉपिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं हरी मिर्च को चॉप करूँगी, आप चाहें तो हरी मिर्च को उबालते में भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है, एंड अब इसके साथ में टमाटर भी चॉप कर लूँगी। मैं टमाटर और हरी मिर्च को एक साथ ही रखती हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्च को डायरेक्ट तड़के में नहीं डालती हूँ, उससे धस हो जाती है एंड चीटा लगने का भी चांस रहता है, तो इस वजह से मैं हमेशा हरी मिर्च टमाटर के अंदर ही रखती हूँ। इस वाली दाल में मैं प्याज ज़्यादा नहीं लूँगी, मैंने एक प्याज ली है एंड 2 टमाटर लिए हैं, क्योंकि टमाटर से जो खटास आती है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इस वाली दाल में, तो इस वजह से मैं इसमें ज़्यादा प्याज नहीं लूँगी। लास्टली मैं कट करूँगी गार्लिक एंड जिंजर, जिंजर मेरा काफ़ी पुराना था तो ड्राई हो गया था, इस वजह से मैं उसे अच्छे से छील रही हूँ, एंड अब इन्हें फाइनली चॉप कर लूँगी गार्लिक को, एंड जिंजर को मैं कट करने की बजाय ग्रेट करके डालूँगी, ये मेरे पास एक ग्रेडर है, इससे बहुत ही अच्छे से जिंजर ग्रेट हो जाता है।
सो नाउ ऑल द चॉपिंग इज़ डन। इस तरह से मैंने चॉपिंग करके सारी तैयारी करके रख दी है। अब मैं चावल बनाने के लिए पानी उबालने रख दूंगी, क्योंकि चावल को सोख किए 15 से 20 मिनट हो गए हैं एंड ये नए चावल हैं। मुझे नहीं पता है कि इन्हें कितनी देर सोख करना होता है, इसलिए मैं ज़्यादा देर सोख नहीं कर रही हूँ। इन चावलों में मैंने डाला है थोड़ा सा रिफाइंड एंड चुटकी भर नमक। जब तक चावल का पानी बॉईल हो रहा है, ये जो कपड़े मैंने आज धोले थे मैं उन्हें उतार लेती हूँ। ये मैंने फुली ऑटोमेटिक मशीन से धोए थे। मैं कभी आप लोग के साथ अपना पूरा लॉन्ड्री रूटीन भी शेयर करूँगी। अब पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है, चावल भी सोख हो गए हैं। तो अब मैं इस खौलते हुए पानी में चावल डाल दूंगी एंड इन्हें कम से कम 15 मिनट उबालूंगी। साथ के साथ मैं चेक करती रहूंगी इन्हें इन बिटवीन। अब जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं मैं दाल का तड़का लगा लेती हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है एंड जो मैं दाल का तड़का है वो देसी घी में लगाती हूँ। आप चाहें तो सरसों के तेल में या रिफाइंड ऑयल में भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें 2 से 3 बड़ी चम्मच देसी घी डालूंगी एंड फिर मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा एंड उसके साथ साथ जाएगा अदरक लहसुन। तो अभी घी गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जीरा एंड ये कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन। ये थोड़ा सा क्रैकल करेगा, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज। अदरक थोड़ा चिपकता है तो इस वजह से मैं जल्दी प्याज डाल रही हूँ, अदरवाइज़ वो सारा कढ़ाई में ही चिपक जाएगा। अभी दाल के छौंक का मसाला भून रहा है तो मैं चावल पक गए हैं उन्हें ड्रेन कर लेती हूँ इस तरह से। अभी इसमें से जो भी एक्सेस वाटर है वो इस छलनी के थ्रू निकल जाएगा एंड उसके बाद मैं इन चावलों को वापस से इसी बाउल में डाल दूंगी एंड इसे एयर टाइट कंटेनर की तरह ढक कर रख दूंगी। सो दैट अगर ये चावल थोड़े बहुत कच्चे होंगे तो ढकने की वजह से जो स्टीम होगी उससे ये प्रॉपरली पक जाएंगे। इधर मैं छौंक चेक कर रही हूँ, मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दी है। अभी टमाटर थोड़े गले नहीं हैं, जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे मेरा छौंक भी तैयार होगा। मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूंगी, नमक मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, क्योंकि उबालते समय भी मैंने थोड़ा मसाले डाल दिए थे। फ्रेंड्स फाइनली खाना बन गया है, अब मैं बाहर जा रही हूँ एंड आप देख सकते हैं मेरे गाल लाल हो रहे हैं कि गर्मी में मैं किचन से बाहर निकलूँ। हाँ, सबसे ज़्यादा पसीना आता है मुझे अंदर इस पर। तो दाल का तड़का बन गया है और चावल बन गए हैं, मगर अभी दाल नहीं बनी क्योंकि उसमें लगेगी सीटी, जिसकी वजह से शौर्य उठ सकता है। तो मैंने अभी सीटी नहीं लगाई है, तो जब वो उठेगा तभी मैं करूँगी। मैं थोड़ी हवा खा लेती हूँ और थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। क्यों क्यों बेटा, कुछ क्यों हो रहे हो, बंद कर देगी मम्मा? इधर राजू भी तो चौके उठ के आए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, बंद करें। शौर्य इज़ वेरी इरिटेटेड राइट नाउ। हाँ बंद बंद। सैलेड में मैंने काटा है प्याज और खीरा एंड इधर ये चावल बन के तैयार है। काफ़ी अच्छे चावल बने हैं, अब खा के पता चलेगा इनका टेस्ट, बट उबले काफ़ी अच्छे हैं। एक एक दाना खिला हुआ बना है एंड मेरी दाल थोड़ी सी खड़ी रह गई थी तो मैंने उसमें एक और विसल लगाई। सो फ्रेंड्स हमारा डिनर हो गया, मैं आपके साथ उसकी क्लिप शेयर नहीं कर पाई क्योंकि शौर्य परेशान कर रहा था। इस वजह से शौर्य सो के उठ गया था तो उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। डिनर भी बस मुझे दाल उबालनी थी वो उबाल ली थी, इसलिए मैंने पहले से सारा काम करके रखा था। उसने हमारे साथ थोड़ी सी राइस खा ली, फिर एप्पल मांगा तो मैंने उसे थोड़ा एप्पल दे दिया। थोड़ा बहुत ही खाता है वो, ज़्यादा नहीं खाता है, बट मुझे लगता है कि दूध की रिप्लेसमेंट वो जितना भी जो भी खा ले उतना बेटर है। तो बस फ्रेंड्स यही था आज का सिंपल सा व्लॉग, बहुत ही सिंपल था इवनिंग का व्लॉग, जिसमें मैंने आप लोग के साथ शेयर किए कि किस तरह से मैं घर के देसी तरह से दाल चावल बनाती हूँ। एंड ये काली वाली दाल के साथ मेरे मायके में चावल बनते थे इसलिए मैं बनाती हूँ, मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं पता है। आई थिंक ये मुरादाबाद बरेली साइड उधर बनते हैं चावल, इसलिए ये मेरे घर में बनते हैं तो मैं भी बनाती हूँ। एक अरहर की दाल के साथ चावल और एक इस वाली दाल के साथ चावल, ये 2 दालों के साथ हमारे यहाँ चावल बनते थे तो मैं इन्हीं 2 के साथ चावल बना लेती हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो भी नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो। एंड अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।